निकी तंबोली क्या कर रही है, फैंस जानना चाहते हैं और हम ले आए हैं निकी तंबोली क्या कर रही है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आखिरकार निकी तंबोली क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। कोरोना वायरस की जंग लड़ने के बाद में 14 दिनों का क्वारंटाइन खत्म करने के बाद में जब हमने निकी तंबोली को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था तो उस समय पर भी निकी तंबोली के अंदर कोरोना का वो डर जो है वो देखने को मिल रहा था। क्योंकि जिस तरीके से निकी तंबोली ने सभी कैमरामैन को कहा कि आप लोग मास्क पहनो, इट्स वेरी वर्स्ट सिचुएशन, इट्स एक्चुअली ट्रू, दिस सिचुएशन इज वेरी वर्स्ट, बिकॉज जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन फिर से देखने को मिल रहा है, इतने समय के बाद तो चीजें खुलनी शुरू हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हम पाबंदियों में आ चुके हैं। खैर, लेकिन इसी बीच कहते हैं ना कि कितना भी रुक जाए दुनिया लेकिन उसके बाद में भी द शो इज मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर भी वही हाल है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितना भी कोरोना आ जाए, काम तो भैया करते रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही निकी तंबोली का हाल है। निकी तंबोली फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और अपना न्यू लुक लेने के बाद में निकी तंबोली ने भी शुरू कर दी है अपने नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की शूटिंग। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको बता दूं कि निकी तंबोली जो है वो मुदस्सर के साथ में वीडियो शूटिंग को कम्प्लीट कर रही है जो कि उनका बीच में रह गया था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग निकी तंबोली की नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो को लेकर रेडी हैं या नहीं, एक्साइटेड हैं या नहीं, चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।